शॉर्ट हो सकता है, मतलब एक रिस्क हो गई कि हम नीचे की कॉपर वायर निकाल रहे हैं। भैया अपन को किसको ढूंढना है? जीजा साला ढूंढना है। ऑन कर सकते हैं, ये हमने किया भी था यहाँ पर। जीजा साला कॉल नहीं उठाते हैं। अच्छा सर बताओ क्या मैंने कितने कॉल उठा लिया आप लोग के साथ चार दिन में? एक भी ना। मैं आया था तो मुझे बहुत गुस्सा था कि सर ने मेरा कॉल नहीं उठाया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि सर का वाइब्रेट पे, वो हमें पढ़ाने में इतने व्यस्त है कि उन्हें पता ही नहीं फोन कहाँ रखा। और यहाँ पे क्या मैंने 10 लड़कियां बिठा के रखी है क्या? कि इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन है? दिल से कह रहे हो? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सर टेलीकॉम आपका चैनल। मैं हूं देवेंद्र अग्रवाल और ये है मेरा 28 मार्च का बैच। और यहाँ पर हम बात करेंगे चार दिन के आउटपुट कि हमने क्या क्या यहाँ पे सीखा। देखा जाए तो छोटा सा एक यहाँ पे मैं लेना चाहूंगा, चार दिन में क्या क्या हुआ? चार दिन में थोड़ा सा शॉर्ट में बताओ। कंपोनेंट्स पूरे कंप्लीट है, ठीक है। बी अपना बी बैट फ्लाई है, मतलब अगर बैटरी करेक्टर पूरा उखड़ जाएगा बना सकते हैं। बैटरी एरर आपको समझ में आया? और ट्रेसिंग बिल्कुल ओके। और अगर पैरेलल सीरीज? Yes, तो चार दिन में ये से तो ये बहुत बढ़िया, एक अच्छी सी बात है। आपका नाम क्या है? कुलविंदर सिंह। तो आप इसे चालू करते हैं कुलविंदर, और यहाँ से हम आपसे पूछना चाहेंगे, अगर मेरे पास में एक फोन है और बैटरी आ रहा है तो मैं सबसे पहले क्या क्या चेक कर सकता हूँ? बीएसआई चेक करूंगा। अगर मुझे बताइए एक एंड्रॉइड का फोन है और एक सैमसंग का फोन है, दो चार पिन के करेक्टर है, कैसे उस पिनों को किस तरह से मैं डिफाइन करूंगा कि कौन सी पिन कैसे होगी? सैमसंग में सर फर्स्ट पिन वी बैट, वो आप चेक कर लेते हैं, रीडिंग मुझे पता है। और ये कौन सी टेस्टिंग यूज करनी है? वो आपको कोल्ड टेस्टिंग करनी है। और रीडिंग क्या आती है वो आपको पता है? ठीक है सर, उसमें सेकंड में आ जाएगा बीएसआई सर। और मैं थर्ड वन ग्राउंड और बी टेम्प। और अगर मान लीजिए एक, चलिए ये तो आप सैमसंग बता रहे हो, तो सेकंड में आ जाएगा बीएसआई और थर्ड में क्या आएगा? ग्राउंड। लास्ट एनसी आएगा, नॉट कनेक्टेड। अगर मैं आपसे पूछूं कि यही चीज अगर एंड्रॉइड में आई चार दिन का करेक्टर, तो क्या आ सकता है? सर फर्स्ट वन इज वी बैट एंड सेकंड इज बीएसआई, थर्ड बी टेम एंड लास्ट वन ग्राउंड। अच्छा मैं बताऊं कि बी टेम और बीएसआई में क्या डिफरेंस है, वो कौन सा बीएसआई कौन सा बी टेम पे, ये क्लियर हो गया आपके लिए? अगर मैं बताइए आईफोन 5 में कितने पिन का कनेक्टर है? सर आईफोन 5 में 4 पिन कनेक्टर है। और आईफोन 6 में कितने पिन का कनेक्टर है? 3 पिन सर। आईफोन 5 में बीएसआई बी टेम में सीरीज में क्या लगा हुआ है? सर उसमें फिक्स है, कॉइल लगी, कॉइल लगा हुआ। आईफोन 6 में क्या लगा हुआ है? 6 में कॉइल कॉइल लगी। आईफोन 7 में क्या लगा हुआ है? आईफोन 4S में क्या लगा हुआ है? अगर आपको पीबी की बात करूं या सर्किट नॉलेज की बात करूं, किस तरीके से ट्रेसिंग करना है, आईफोन के स्पीकर सेक्शन किस तरह से ट्रेस करना है, ये नॉलेज मिला कि नहीं मिला? कि आपको अगर बताओ कि क्या तीन तरह के फॉल्ट आ सकते हैं? ओपन लीकेज और शॉर्ट, बहुत सारी चीज आपको बताई। सो यहाँ पे आपको कैसा एक्सपीरियंस लगा थोड़ा दिल से बताइए? यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट हो गए। जो सोच के आए थे कि यहाँ पर एशिया टेलीकॉम में आएंगे इतनी दूर, आप JNK से आए हो ना, तो दिल्ली क्यों नहीं गए यार, वहां से जलपुर क्यों आए? सर दिल्ली में धोखेबाज बैठे, दिल्ली के धोखेबाज बैठे। खैर आपने यहाँ पर भरोसा करके आए? फेथ है सर, वीडियो देख के फेथ बन गया था। और यहाँ पे जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो और उनमें आंसर जो मिल रहे हैं, या मैं दे रहा हूँ आज, ठीक है, ये मैं पहले नहीं दे सकता था सर, चार दिन पहले। अच्छा चार दिन पहले आपको नहीं पता था? और आपने इससे पहले कितना काम कर रहे थे आप यहाँ पर? मतलब काफी सालों से काम कर रहे हैं। सो ये चीज आपको इम्प्रूव मिली कि प्रॉपर नॉलेज के साथ काम करने में कितना ज्यादा आसान है, ज्यादा मजा आएगा यहाँ पर, अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये बहुत अच्छी बात है। सो एक बार इनके लिए बहुत खास तालियां। तो यहाँ पर एक बार मुझे बताइए कि बैटरी अगर मेरा पूरा निकल गया है, उखड़ गया चार पिन का, कोई सभी फोन का आईफोन हो, तो अपन बना सकते हैं उसको? बना सकते हैं। आप सब लोग बताइए, आप लोग बना सकते हैं कि बना सकते हैं? एक बार हाथ उठा दीजिए जरा सब लोग। तो ये मैं आपका देखना चाहता हूँ, ये देखिए, ये सब बना सकते हैं यहाँ पर बिना सर्किट डायग्राम के, कि अगर मेरा उखड़ जाए तो मैं बना सकता हूँ। तो क्यों? क्योंकि हमें उसके लिए सप्लाइयों की नॉलेज चाहिए। अगर सर मैं अगर आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, मैं जीरो में से हीरो बना हूँ सर, इधर समझो। चार दिन में आपको इतना कॉन्फिडेंस आया यहाँ पर? कॉन्फिडेंस आया, कॉम्पोनेंट लेके सप्लाई से लेकर ट्रेसिंग से लेकर हर चीज की नॉलेज मेरे को आपके थ्रू, और आपके जो सर है दूसरे राजेश सर, उनके थ्रू मेरे को हर चीज। राजेश सर के बारे में एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, कौन बताना चाहेगा बताइए थोड़ा? सर खाना खाने से पहले ही वो पहुंच जाते थे वहाँ पे। रात में कितने बजे? रात के तकरीबन 8 बजे के आसपास, 2 बजे तक पढ़ाते हैं। 2 बजे तक पढ़ाते हैं। और ये अभी तक मतलब डेली आ रहे हैं? डेली, पर डे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन आया और बस डेमो वाली क्लास में आकर बता दिया यहाँ पर। और उनको पढ़ाना आपको समझ में आता है कि नहीं आता है? पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाता है कि हम अगले दिन आते हैं तो वो सारी चीजें बिल्कुल नई तरीके से नई चीज सीखते हैं। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप यहाँ पर आते हो तो एक्साइटमेंट रहता है कि क्या नया चीज सीखने को मिलेगा, है ना? कितना टाइम बिताते हो इस क्लास में यहाँ पर?
इसलिए आपने पूरे पूरा अगर दिन की नजर से 12 घंटे बीता मतलब, और उतना कभी यहाँ पे ऐसा लगा कि बोर हो रहे हैं या क्या हो रहा है या सर 1 घंटे के लिए 2 घंटे के लिए चले गए या बैठे हुए ऐसे खाली, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जनरली ये वीडियो मैं इसलिए बनाया था क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे से पूछते हैं कि सर हमारे यहाँ हम तो 20 दिनों में 1 महीने में भी हमें कंपोनेंट में रजिस्टर में भी 2 टाइप के रजिस्टर बताए, एक LVR एक HVR और वो भी सिंपल रजिस्टर। आप बताओ क्या रजिस्टर एक्चुअल में 2 ही टाइप के होते हैं क्या? एक्चुअल में 6 टाइप के होते हैं, आपको पता है? चलिए ठीक है, मैं किसी और से पूछना चाहता हूँ, एक बार इनके लिए भी ताली बजा दीजिए। कौन से 6 टाइप के रजिस्टर होते हैं? 6 टाइप रजिस्टर होते हैं। कौन कौन से? सिंपल रजिस्टर होता है और डबल रजिस्टर होता है और फ्यूज रजिस्टर होता है और फुट रजिस्टर होता है और थर्मल रजिस्टर होता है और VDI। अच्छा बताओ किस किस रजिस्टर में जंपर मार सकते हैं, किस किस में नहीं मार सकते? और आपको ये भी मैंने बताया कि क्यों नहीं मार सकते, मैंने इसका प्रैक्टिकल की दिखाया था ना। यस सर। आपको याद है कि उसमें एक तरह का हमने चार्जिंग में देखा था कि एक एरर आया था, बताना नहीं है क्योंकि अगर आपको सीखना है दिल से तो भाई इधर आ जाओ, क्या बोलते हैं आप? तो यहाँ पर अगर फ्यूज रजिस्टर कहाँ देखने को मिल जाएंगे? स्पीकर सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर मैं आपसे पूछूं, आप यहाँ पे बताइए, अगर फ्यूज रजिस्टर सीरीज लगे होते कि पैरेलल लगे होते हैं? सीरीज होते हैं उनकी, और वो एक लो वैल्यू हो सकते हैं कि हाई वैल्यू होते हैं? लो वैल्यू। कोड रजिस्टर लो वैल्यू भी होते हैं, हाई वैल्यू भी होते हैं? अगर हाई वैल्यू होते हैं जैसे 2K2 की वैल्यू बताओ, 2.2K। अगर मैं आपसे पूछूं 3.3R9 की वैल्यू बताइए, 3.9। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ जैसे यहाँ पर आपने बताया कोड रजिस्टर VDR है सारी चीजें, आपको यहाँ पर ट्रेसिंग आएगी, यहाँ पर सीरीज पैरेलल चेक करना, बहुत सारे लोग सीरीज पैरेलल, मैंने क्या बताया था कि एक मोबाइल रिपेयरिंग कनेक्टर निकालना मोबाइल रिपेयरिंग नहीं है, मोबाइल रिपेयरिंग है कनेक्टर निकल जाने के बाद में उसकी सप्लाई को बिना स्केच किए हुए लगा देना, वो भी बिना सर्किट डायग्राम के। सो आपको कैसा नॉलेज मिला, क्या लगता है आपको, दिल से बताइए यहाँ पर। बहुत बढ़िया सर नॉलेज, बहुत सारी चीजें हमको पता ही नहीं, बहुत सारी चीजें पता नहीं थी। कहाँ से आए आप? बिहार से। तो आपने यहाँ आकर सही फैसला लिया कि क्या किया आपने? सर मैं जनवरी से यहाँ कॉल कर रहा हूँ। जनवरी से कॉल कर रहे हैं तब जाके आप यहाँ हैं, मतलब आपको 2-3 महीने के बाद में यहाँ पे एडमिशन मिला है। चलिए ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, इनके लिए खास तालियां। आप बताओ एक रजिस्टर 3R9 का है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? अगर 4.9 आ रहा है तो उसके क्या मतलब है? सर वो 1 ओम की जो रीडिंग है वो मल्टीमीटर की होगी। वेरी गुड, मतलब सर वो 10.10 ओम की रीडिंग है वो किसकी हो सकती है? 1 ओम की रीडिंग मल्टीमीटर की हो सकती है। तो इसमें हम एक बार ये भी चेक करेंगे। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर यहाँ पर लगा हुआ है VDR, तो VDR जनरली कौन से सेक्शन में देखने को मिल सकता है? VSI में देखने को मिल सकता है, बिल्कुल पैरेलल लगा मिल सकता है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ थर्मिस्टर की वजह से क्या एक एरर आ सकता है? थर्मिस्टर की वजह से सर चार्जिंग एरर, चार्जिंग का पॉज एरर आ सकता है। क्या एरर आ सकता है? चार्जिंग का पॉज एरर आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं स्पीकर लाइन में, चलिए बहुत सारी चीज और भी स्टूडेंट है उनसे पूछते हैं, आपको कैसा लगा फील यहाँ पर? बहुत दिल से बोलिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर मेरे साथ में स्टूडेंट, आपका नाम बताइए। दानिश। मुझे ये बताओ कि एक कैपेसिटर कितने प्रकार के होते हैं? कैपेसिटर दो प्रकार के। कौन कौन से? पोलर और नॉन पोलर। ये मुझे बताइए कि कैपेसिटर कहाँ लगे होने चाहिए, एक नॉन पोलर कैपेसिटर कहाँ? सो दानिश मुझे बताइए कि कैपेसिटर कहाँ के लिए निकालना चाहिए? पावर आईसी और लाइट सेक्शन, जहाँ बूस्ट कॉइल हो, जहाँ बूस्ट कॉइल हो वहाँ नहीं निकालना चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ ये बूस्ट कॉइल की क्या थोड़ी है, क्यों नहीं निकालना चाहिए बूस्ट कॉइल के पास? सर बूस्ट वाल्व के साथ NPC इसलिए निकालना चाहिए, प्योर DC बनाता है। अगर हम निकाल देंगे तो वो प्योर DC बनाना छोड़ेगा, तो ऐसे में ना पावर आईसी बूट अप होगी तो मोबाइल फोन डेड हो जाएगा, और लाइट सेक्शन में अगर ये निकाल देंगे तो लाइट चला जाएगा। चलिए ठीक है, सो मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा कैपेसिटर यहाँ पे किस तरह से चेक करते हैं? सर कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं, मतलब दो तरीके से चेक कर सकते हैं, क्योंकि या तो वो शॉर्ट होंगे या तो वो क्या होंगे, क्या ओपन होंगे कैपेसिटर? क्या रजिस्टर शॉर्ट होते हैं? बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं आज भी डेट में, चलिए कोई बात नहीं है। सो आप बताइए कि अगर शॉर्ट होगा तो क्या नहीं आना चाहिए? बीप। और अगर लीकेज है तो आपको पता है किस तरह से चेक करना है कैपेसिटर लीकेज में? कोई बात नहीं, बताना नहीं, किस तरह से आपको पता है आपको किस तरह से चेक करना है? ठीक है, आपको स्पीकर सेक्शन अगर दे दूं और आपको कोई भी मोबाइल पकड़ा दूं तो आप उसका स्पीकर सेक्शन ट्रेस कर सकते हैं? कर दे बिना सर्किट डायग्राम के, यहाँ ऐसे ही तो नहीं बोल रहे कि कैमरे के सामने, दिल से बोल रहे हैं। यहाँ पर कैसा लगा यहाँ पे पढ़ के आपको? बहुत अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दो, क्योंकि कैमरे में बोलना बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई आइए यहाँ पर, आपका नाम क्या है? चलिए आपका नाम क्या है? आप बताओ कि राज आप मुझे कहाँ से आए हो? आप मुझे बताइए, हिंदी बोलने में दिक्कत होती है ना आपको थोड़ी सी? आप बोलोगे आप? क्या बात है, इसके लिए एक बार ताली बजा दीजिए।
ये बहुत बड़ा जोश है दोस्तों, बहुत अच्छा लगता है, दिल से बहुत खुशी होती है कि कोई चीज जो हमें दिक्कत होती है और उस दिक्कत वाली चीज को करें, मतलब सही सरल काम तो सब कर लेते हैं, कठिन काम को करने में जज्बा होता है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि डायोड कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से डायोड? एलईडी डायोड। आपसे पूछूं कि डायोड अगर पैरेलल लगा दिया जाए तो वो क्या काम करने के लिए लगाता है? प्रोटेक्शन के लिए। और यही सीरीज में लगा दे तो क्या काम करने के लिए लगा जाता है? रेक्टिफिकेशन के लिए। कहाँ लगा हो सकता है अगर सीरीज में बात करूँ तो, किस सेक्शन में लगा सकता है? लाइट सेक्शन और चार्जिंग सेक्शन। दोस्तों मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा रुक रुक के बोल रहे हैं क्योंकि हिंदी में दिक्कत है। आपको कैसा लगा यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा लगा। आपका यार दो दिन में जब आए थे, राजेश सर का बोलते हैं मतलब उन्होंने हमको किससे कॉल किया, कॉल उठा दे नहीं, मतलब उन्होंने कॉल किया मेरे को, आपका सीट कन्फर्म है, मतलब आप उसके लिए खुश, आप उसके लिए बहुत क्या बात है। मतलब यहाँ तो लोगों को ये लगता है कि इंस्टीट्यूट वाले तो 10,000 कॉल करते हैं, हमने तो सुना है, रातों की नींद खराब कर देते हैं, है? आइए ना सर, है ना, व्हाट्सएप आता है सर, लड़की से वही तो ऑफर देते हैं। आपको आया था बोली, यहाँ पर मैंने कोई डिस्काउंट की बात की क्या? आप मेरे से कभी कोई डिस्काउंट बोलता सर कुछ डिस्काउंट दे दो तो मैं बोलूंगा दूंगा ना पढ़ाने में, पढ़ाने में डिस्काउंट दूंगा, तुमको अलग से दो दिन की छुट्टी दूंगा बीच क्लास में, है ना, नहीं चाहिए डिस्काउंट, अब देखो अब नहीं चाहिए ना डिस्काउंट, तो यही चीज है डिस्काउंट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच राज, आपने इतना आपने बोला और इतना आपने बताया। आप सच बताओ, सब तरह के कॉम्प्लेंट चेक करना आपको आएगा, पहचानना आएगा किसी भी बोर्ड में? अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास बैटरी कनेक्टर उखर गया था, उसको बना सकते हैं, स्पीकर सेक्शन को ट्रेस कर सकते हैं कि सर उसमें क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं, ये आपको नॉलेज है? चलिए थैंक यू वेरी मच, एक बार राज के लिए ताली बजा दीजिए। यहाँ पर स्पीकर सेक्शन में कितने कैपेसिटर लगे हो सकते हैं? तीन लगे हो सकते हैं, दो तो आपको पता है पैलर और एक आपको पता है, एक सर दो लाइन के बीच में। अगर एक पैलर कॉम्पोनेंट की बात करते हैं तो पैलर, अगर एक पैलर कॉम्पोनेंट बताओ कि किन दो तरीके से लगे हो सकते हैं? प्लस प्लस लगा होता है, एक प्लस माइनस लगा हो सकता है। तो मैंने ये भी बताया कि अगर वो आपको पता करना है कोई सभी कॉम्पोनेंट तो कैसे पता करें कि वो प्लस माइनस लगा है कि प्लस प्लस, ये नॉलेज है आपको? अगर मैं आपसे पूछूं कि स्पीकर सेक्शन में अगर आपको रजिस्टर सीरीज में मिलेंगे तो वो भी कौन सा रजिस्टर सीरीज में मिलेंगे? नॉर्मल रजिस्टर। और वो भी हमको कौन से देखने को मिलेंगे, कैसे देखने को मिलेंगे? चप्पल के जैसे। कैसे देखे मिलेंगे? अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि अगर मेरे को यहाँ पर बीबैक का सेक्शन है और बीबैक कलेक्टर उखर गया है, मेरे पास कोई ट्रेसिंग नहीं है, सर्किट डायग्राम नहीं है, मैं खरोचना नहीं चाहता, खरोचने से क्या हो सकता है? शॉर्ट हो सकता है, मतलब एक रिस्क हो गई कि हम नीचे की कॉपर वायर निकाल रहे हैं। भैया अपन को किसको ढूंढना है? जीजा साला ढूंढना है। इसे टेलीकॉम की नई ट्रिक है सर, और यहाँ पे नए नए ट्रिक और भी मिल जाएंगे। हाँ इधर आएंगे तो पता चलेगा, हमसे नहीं पता चलेगा। हाँ हमसे पता नहीं, विधो में पता नहीं चलेगा, मतलब जीजा साला चप्पल पावर ऐसी के पास में जीजा साला ढूंढ के भी फोन को ऑन कर सकते हैं। ये हमने किया भी था यहाँ पर, जीजा साला प्रैक्टिकली किया था यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छा यहाँ मिला। कैसा लगा आपको यहाँ स्प्रे? बहुत अच्छा लगा सर। आके अभी का फोन है, आप अच्छे से दिल से बोलो, जिससे रिकॉर्ड हो रहा है दोस्तों, ये इन्हीं का फोन है मैं कहना चाहता हूँ। दस साल से काम कर रहा हूँ तो सर, ऐसा लग रहा है कि यहाँ आने के बाद में जो हमारा 10 साल का जुगाड़ वाला एक्सपीरियंस था वो अलग है और यहाँ पे शुरुआत ये अलग है सर। तो अब मैं ये सोचा था सर सिर्फ EMC कर लूँ कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ उसमें। अच्छा, तो फिर पता चला कि सर EMC मतलब कंपोनेंट्स की नॉलेज होना जरूरी है। हाँ जरूरी है सर, तो हम लोग समझते हैं कि हम बहुत परफेक्ट है और अपना नाम भी है सर अपने एरिया में। सही बात। तो सर EMC कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन पता चला सर वीडियो देखने के बाद में सर आपकी थ्योरी टेक्निक सब लोग कमेंट्स देते हैं ना सर, उसमें देख के पता चला कि चलो EMC नहीं है, अपने को शुरुआत से करना है। तो मैं सर नवंबर में एक्चुअली आ रहा था सर, कुछ प्रॉब्लम की वजह से रुक गया, फिर कोशिश करके वापस ईसा टेलीकॉम को पहुंच गया सर। अभी तो मेरा ये खत्म होने के साथ में EMC भी है सर। तो आपको अभी बहुत एक्साइटमेंट है, मतलब बहुत ज्यादा सर। मैं शॉप वगैरह छोड़ के लड़कों के वही छोड़ के, तो अब आप एक महीने के बाद जब आप जाओगे तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे, है ना, कि सर अब जाऊंगा और फिर मेरे को बहुत सारे जो मेरे को मिला सारी चीजों का जो हमने देखा कि 10 सालों में अगर यही चीज 10 साल पहले होती तो क्या होता, आज कहाँ होते? आज तो मैं सर बहुत ऊंचाई पे होता, बहुत ऊंचाई पे होते। ये बात बहुत अच्छी है, इसके लिए ताली बजा दीजिए। और आने वाले
आने वाले 10 साल में नहीं, आने वाले सिर्फ 6 महीने में आप इनको देखिएगा कि वाकई में ये अपने एरिया के इतने और ऊंचाइयों पर जाएंगे कि बाकी सारे आपसे ही सेट बनवाएंगे यहाँ पे। नहीं सर, हम लोग भी बहुत ऊंचाई में जाएंगे। सब लोग, आप सब लोग ऊंचाई पर जाएंगे। यहाँ पर मैं आपको उठाना चाहता हूँ, आपको भी लेता हूँ, मैं आपको उठाना चाहता हूँ यहाँ पर। आप मुझे बताइए यहाँ पर ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं? ट्रांजिस्टर दो प्रकार के। कौन कौन से? टीएनपी और एनपी। अगर मैं ट्रांजिस्टर में तीन बड़े काम बताऊँ? तीन बड़े काम, रेक्टिफिकेशन, एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग। स्विचिंग अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि ट्रांजिस्टर मुझे बोर्ड में कहीं भी मिल जाए तो मुझे क्या बता सकते हैं कि एनपी नहीं कि पीएनपी है, ये मैं चेक कर सकता हूँ? अच्छा, ये तो हो गया एसएमडी। नॉर्मल कंपोनेंट भी चेक कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं नॉर्मल एसएमडी, नॉर्मल डायोड, नॉर्मल रजिस्टर, नॉर्मल ट्रांजिस्टर, नॉर्मल ट्रांसफॉर्मर, ये भी चेक करना बताया था कि नहीं बताया था? बताओ क्या बताना चाहते हो? आपसे कुछ पूछूं? चलिए ठीक है, आपसे पूछता हूं। तो यहां पर यहाँ पे इन्होंने पूछा ट्रांजिस्टर, जो इन्होंने बताया ट्रांजिस्टर वो बिल्कुल सही बताया कि नहीं बताया? अगर मैं आपको बताऊं कि ट्रांजिस्टर में जो पी और एन की थ्योरी है समझाने की, है ना, पी और एन, भूल जाओ ई और बी, भूल जाओ एमिटर और भूल जाओ बेस, याद रखो पी और एन। सो आप उसको ये भी बता सकते हो कि सर पीएनपी है कि एनपीएन है, सो उसको चेक भी कर सकते हैं। चलो थैंक यू वेरी मच। आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। जब मैंने आपको पहली बार देखा था तो मुझे लगा था कि बहुत ऑब्जर्व कर रहे हैं आप चीजों को। दो दिन को ऑब्जर्व करने के बाद आपने तीसरे दिन जब फीस भरी तो मुझे लगा कि नहीं, आपको ये अच्छा लगा, क्योंकि जो भी जन फीस भरा होगा उसने भेड़ चाल में तो नहीं फीस भरी यार, इनने भर दी तो मैंने भी भर दी। मैंने तो एक दिन पहले ही भर दी थी, मैं इतना खुश हो गया था सर। क्या बात कर रहे हो, चलो तुमको खाद उठाएंगे अभी, रुक जा। मेरा कैलकुलेशन हुआ था जिसकी वजह से मुझे डर लग रहा था, फिर आपने हाँ बोलने के बाद में फिर हुआ था। अच्छा, आपका कैंसिलेशन हो गया था यहाँ पहुँचने के बाद? ओके, मतलब आपकी सीट कंफर्म नहीं हुई थी यहाँ पर, होने के बाद कैंसिलेशन भी हो गया था। कैंसिलेशन हो गया था। दोस्तों इसमें मैं छोटा सा 5 मिनट का जरूर बातचीत करूंगा बहुत से लोगों से, क्योंकि बहुत से लोग मेरे को आजकल कहते हैं, बुरा बुरा कहते हैं कि सर आप लोग है ना कॉल नहीं उठाते हैं। अच्छा सर बताओ क्या मैंने कितने कॉल उठा लिया आप लोग के साथ 4 दिन में? एक भी ना। मैं आया था तो मुझे बहुत गुस्सा था कि सर ने मेरा कॉल नहीं उठाया। जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि सर का वाइब्रेट पे, वो हमें पढ़ाने में इतने व्यस्त है कि उन्हें पता ही नहीं फोन कहाँ। और यहाँ पे क्या मैंने 10 लड़कियां बिठा के रखी है क्या? मुझे सर बताओ 10 लड़कियों की जरूरत है क्या? नहीं यार, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सच बताओ एक ही बैच हमारे लिए काफी है और बहुत दिल खुशी होती है। मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ, एक बहुत खास सवाल है। जैसे आप बताओ कि अगर मान लो आपने वीडियो देखा, यही मेरी आवाज, यही मैं, यही पराने, यही सारी चीजें, आप आए और आपने मेरे से बोलता सर एसर टेलीकॉम की ब्रांचेस खोल दो, और एसर टेलीकॉम में मैंने चलो 4-5 किसी बंदे को बिठा दिया, तो क्या वो ये आउटपुट दे पाएगा जो हमने दिया है? ये आउटपुट सर आप खुद ही दे सकते हो। और यहाँ पर और अगर मैं 10 बैच चला लूँ तो 10 बैच के लिए तो मुझे 10 लड़के रखने पड़ेंगे यहाँ पर, 10 टीचर रखने पड़ेंगे। सो वो 10 टीचर के आउटपुट दे पाएंगे? वो नहीं, नहीं दे पाएंगे। सो मतलब जो आउटपुट, जो वीडियो आप देख के आ रहे हो जिनसे, और आप पढ़ किसी और से रहे हो, सो उसमें कंफ्यूजन रहता है भाई। साथ में सर आप देखो ना, जब आए हो आप 11:30 के अंदर एनरोल हो, पूरा दिन 6 बज जाएंगे तब भी आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है ना सर? आप जो मेहनत कर रहे हो वो दूसरा बंदा शायद तो आपको मेरे एनर्जी लेवल से आपको खुद एक सीख लेनी चाहिए कि किस लेवल की मेरे को अपनी एनर्जी रखनी है, है ना, टॉप लेवल की एनर्जी रखनी है। थैंक यू वेरी मच। ये सोचते हैं कि सर सोते कब होंगे? सर सोते हैं, टेंशन मत करो। सर रात के 2 बजे पे ऑनलाइन रहते हैं। रात के 2 बजे रहना पड़ता है, नहीं तो इतना काम कौन करता है मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच। यहाँ पर इनके लिए ताली बजा दीजिए। यहाँ पर आपका नाम बताइए। सूरज, कहाँ से आए हो? ये बताइए डायोड, डायोड बताना चाहते हो? डायोड कितने प्रकार के होते हैं? कौन कौन से? नॉर्मल डायोड, जीरो डायोड और अगर नॉर्मल डायोड में आपसे बात करूं, ये पैरेलल भी लगे हो सकते हैं और सीरीज में जिनर डायोड भी लगे हो सकते हैं। अच्छा मुझे आपसे बात, अगर मैं पूछूं कि पैरेलल में लगे होंगे तो क्या काम करने के लगे, कहाँ कहाँ लगे हो सकते हैं? सर ये हर जगह मिल सकते हैं, हर सप्लाई में मिल सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं सीरीज में कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? पावर बटन, पावर की वो भी एक सैमसंग कीपैड मोबाइल, और दूसरा और चार्जिंग सेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक सीरीज डायोड और एक पैरेलल डायोड किस तरह से चेक करना है, ये आपको पता है? सीरीज पैरेलल का कंपोनेंट आपको नॉलेज है? जो यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि हमें बीबेट बनाने बन जाएगा, बीबेट बनाने बन जाएगा, हमें बैटरी एरर बन जाएगा, हमें बैटरी करेक्टर निकाल दे तो हम ट्रेसिंग कर सकते हैं, स्पीकर ट्रेसिंग कर सकते हैं, ये आप लोग भी कर सकते हैं? पीछे वाले आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सूरज के लिए ताली बजा दीजिए। सूरज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा।
पैसा वसूल हो गया यहाँ पर, पिक्चर पैसा वसूल पिक्चर है सर। थैंक यू वेरी मच। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस बैच के साथ में, और हर बैच के साथ में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है और बहुत मजा आता है पढ़ाने में, और तभी एक इंटरेस्ट है, तभी एक जुनून और एक पागलपंती वाला जुनून है जो मेरे को मेरे अंदर वो आग लगाए रखता है कि हाँ कि इनको जो देना है वो बिल्कुल एंड तक लेवल तक देना है। चलिए दोस्तों ये वीडियो इसी यहीं तक है, और ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, उन भाइयों के लिए जो बहुत नॉलेज अभी भी रखने के बाद भी उनको लगता है कि यार हो सकता है कि रजिस्टर से भी प्रकार के हो सकते हैं, तो हो सकता है सर आपको इस वीडियो की सही जानकारी मिल जाए और आपको पता चल जाए कि अभी तक आप जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं कंपेयर नहीं कर रहा, सब अपने लेवल पे बेस्ट है, पर हो सकता है आपको कंपेयर करना है कि कौन बेस्ट है और कौन बेस्ट नहीं है। बाकी बस मैं यही कहना चाहूंगा दिल से कि इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, दिल से कह रहे हो इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, यहाँ पर आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे की मतलब कुछ है, हाँ, कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, हाँ। तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं से मतलब की इसके अंदर, हाँ। एक बार जैसे आप क्लास में आओगे आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था, अब है जो मैंने, अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल, हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे, अच्छा। मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया, और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सबने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया, और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज़्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, वो मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला, वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला, वो मैकेनिक नहीं होता है, वो जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट का बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा, जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है, इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन। Announcing 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.